तो भाई आज मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बाइक है तो मैं सिर्फ तारीफ ही करूंगा भाई। एक कमी और जो मेरे को सबसे बड़ी लगती है वो मैं आपको बताता हूँ क्या कमी लगती है भाई। इसमें एक है रेडिएटर दिया हुआ, एक एग्जैक्ट 5'4" हाइट है मेरी और दोनों। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल, कैसे आप लोग, राधे राधे। तो यार आज आपको सामने दिख रही होगी अपनी एलजी की साइड से आने वाली एलजी रोस्टर, और आज बात करने वाले हम इसके बारे में कि भाई क्या रिव्यूज़ है इसके। मेरे को ये लिए हुए अराउंड 8 महीने करीब हो चुके हैं और मैंने 1000 से ऊपर किलोमीटर चला लिया। तो भाई आज मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बाइक है तो मैं सिर्फ तारीफ ही करूंगा, पूरा रिव्यू दूंगा कि भाई क्या इसमें प्रॉन्स है और क्या कॉन्स है। मतलब कि ठीक, अब लोगों के लिए सबके लिए अलग अलग मैटर करता है कि भाई जैसे मेरे को तो इसमें बुराई लगती है वो शायद आपके लिए मैटर ना करती हो, क्योंकि अगर आप सिटी में चला रहे हो तो हेडलाइट मैटर नहीं करती जैसे। तो इस हिसाब से वही है भाई, मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि क्या इसमें प्रॉन्स है और क्या कॉन्स है। और भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, अपने 2K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो भाई आपको आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हेडलाइट्स की। तो भाई इसमें हेडलाइट जो है वो तो LED आते हैं भाई दोनों बल्ब, ठीक है। और बाकी मैं इसके थ्रो की बात करूँ तो भाई इसका थ्रो रात के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको यहाँ से थोड़ा यहाँ तक पास तक भी दिखेगा नहीं, इतना कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से भाई मैंने यहाँ पे फॉग लैम्प लगवाए हैं करोल बाग से, ये देखो आउल वाले। तो भाई इनसे मेरे को थोड़ा मिल जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है थोड़ी कि हाँ मेरे को रोड दिख रही है सामने। मैंने जो इसका हेडलाइट का थ्रो है भाई वो इतना अच्छा है नहीं, मतलब सफिशेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई टायर की। टायर में इसमें देख लो अलॉय आता है। और मैं इसके ब्रेक्स की बात करूँ तो भाई ब्रेक्स इसके आगे के तो है ना वो बहुत काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उनका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। और आगे के जो ब्रेक का साइज़ है इसका वो आता है 320 nm डायमीटर में, और जो पीछे के ब्रेक का साइज़ है वो आता है भाई 240 mm, ठीक है। तो मतलब आगे का जो डिस्क ब्रेक है वो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। और मैं पीछे के ब्रेक की बात करूँ, पीछे के ब्रेक भाई इतना अच्छा रिस्पॉन्स है जितना आगे वाले का है। आगे वाले का रिस्पॉन्स इतना अच्छा कि भाई मैंने आप हल्का सा टच भी किया तो उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि वो वहीं पर रुक जाती है। और जैसे कि इसमें डुअल ABS आता है तो भाई इस वजह से क्या है कि अगर मैं आगे वाले ब्रेक मारता हूँ ना तो बिल्कुल भी बाइक स्किड नहीं करती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और बाकी इसमें टायर के साइज़ की बात करूँ मैं तो टायर का साइज़ जो आगे का आता है भाई, आगे का टायर का साइज़ आता है वो आता है 18 inches का, और पीछे का आता है 17 inches का, ठीक है। और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ तो भाई आगे इंजन की बात करें तो भाई इसमें एक्यूरेट 334 cc का इंजन आता है, ठीक है। वैसे बुलेट वगैरह में और इन सब में 350 cc का आता है, बट इसमें 334 cc का आता है, जो कि हमारी पावर जनरेट करता है 29 BHP एंड 29 Nm का टॉर्क, जो भाई भागने में काफ़ी अच्छी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई 334 cc का इंजन cc कम है तो भाई भागती कम है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये स्पोर्ट्स का काम भी करती है। मेरे को स्पोर्ट्स बाइक भी लगती है और क्रूज़र बाइक दोनों लगती है, वैसे जनरली ये क्रूज़र बाइक है और भाई भागती भी काफ़ी अच्छा है और बाकी रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और एक बार मैं हैंडलिंग पोजीशन की बात करूं इसकी तो भाई हैंडल पोजीशन इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि मेरे बैक में दर्द हो गया या फिर ज़्यादा झुकने वाली भी नहीं है बिल्कुल, मतलब पोजीशन जो है ना हैंडल की वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, अगर आपकी हाइट 5'4" से नीचे है तो भाई इस बाइक को बिल्कुल मत लेना, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा भाई। मेरी हाइट एग्जैक्ट 5'4" है, मेरे को फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी आती रहती है, जैसे कि मेरे जो दोनों साइड के पैर है ना वो भाई पूरे पोस्ट नहीं है प्रॉपर, मतलब आधा आधा पैर ही टच होता है, इतना ही। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो दोनों साइड से देखो आप, यहाँ पे देखो इतने ही पैर आते हैं मेरे, बस यहाँ पे इतने ही पैर टच होता है, इतना इधर भी है, इतना देखो इधर भी, एग्जैक्ट 5'4" हाइट है मेरी और दोनों इतने साइड होते हैं। और यार मैं इसके सिटिंग कंफर्ट की बात करूं तो भाई सिटिंग कंफर्ट इसका कुशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अगर 100 किलोमीटर भी चला रहा हूं या 150 किलोमीटर भी चला रहा हूं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कंफर्टेबल नहीं है, सीट काफ़ी अच्छी है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और भाई मैं इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ ना तो भाई मैक्सिमम स्पीड वैसे मैंने देखा ही है 147, बट मैंने आज तक ये चलाई नहीं है 146 या 147, मैंने हाईएस्ट ये 110 ही भगाई है, जो भी 5वां गियर लगाया, 6ठा गियर मैंने इसका आज तक लगाया भी नहीं है। वैसे मैं इसके गियर की बात करूँ गियर बॉक्स की तो भाई इसमें 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स आता है, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, मतलब इसकी वजह से जो है ना माइलेज काफ़ी अच्छी मिलती है मेरे को, मतलब 6-speed है तो उस वजह से, मतलब जैसे मैंने 110 भगाई है। और मैं इसकी माइलेज की बात कर लूँ एक बारी तो भाई वैसे मेरे को सिटी में जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी
तो ये मेरे को 22 का एवरेज दे रही थी सिटी में, और हाईवे पे दे रही थी मेरे को 25 का एवरेज, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस भी करा ली है और सेकंड सर्विस भी करा ली है, जिसका आपको सेकंड सर्विस का जो रिव्यू है वो आपको मिल जाएगा, मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ से सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस, ठीक है। और बाकी भाई मैंने आपको बताया सिटी में मेरे को स्टार्टिंग माइलेज दे रही थी 22 का और हाईवे पे 25 का, लेकिन अब जैसे मैंने इसकी सेकंड सर्विस भी करा ली है भाई 1000 किलोमीटर वाली, तो अभी मेरे को सिटी में माइलेज देती है अराउंड 25 का माइलेज देती है मेरे को सिटी में ये। और भाई अगर मैं हाईवे पे बात करूँ तो मेरे को 28 का माइलेज देती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो भाई इसमें फ्यूल आता है 12.5 लीटर्स का, और भाई मेरी टंकी है दिल्ली के पेट्रोल का जो अभी रेट चल रहा है ना, 1000 रुपये मेरी टंकी फुल होती है एक बार में, और एक बार में फुल होने के बाद ये अराउंड 210 या 200 किलोमीटर चलती है एक बार में फुल कराने के बाद, वो डिपेंड करता है भाई सिटी में या फिर हाईवे पे है, ठीक है। और एक बार मैं इसके लुक्स की बात करूं तो मैं आपको एक बार सिनेमैटिक एंजॉय कराता हूं पूरा, आप देख लो। तो भाई आपने सिनेमैटिक एंजॉय कर लिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो भाई देखो यहाँ पे ऐसे कुछ रोस्टर की बैचिंग आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, दो कोई काफ़ी प्यारी है, और पीछे भी एक बैचिंग आ जाती है, ये देखो ये लोगो जो है ना, ये लोगो काफ़ी प्यारा है ये देखो। और भाई मैं इसमें साइलेंसर की बात करूँ, ठीक है, तो भाई इसमें देखो डुअल चैनल साइलेंसर आता है, ये देखो डुअल साइलेंसर है इसमें, ये देखो, ठीक है भाई। डुअल साइलेंसर की वजह से यह है कि भाई बाइक का लुक जो है ना वो काफ़ी इनहेंस हो जाता है, ठीक है, तो मतलब अच्छी लगती है, मतलब डबल साइलेंसर है, लोग पूछते हैं भाई इसके दोनों साइलेंसर काम करते हैं, मैंने कहा हाँ भाई दो साइलेंसर तो दोनों काम करेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है। और बाकी भाई मैं इसके सॉकर वगैरह की बात करूँ, भाई सॉकर मेरे को आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, भाई जो मेरे को पसंद है जो मेरे को ठीक लगा वही मैं आपको जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा, जो मेरे को ठीक नहीं लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या ठीक नहीं लगा। भाई एक तो मेरे को इसकी हेडलाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ठीक है, और जो पीछे के ब्रेक का रिस्पांस है ना यार वो ज़्यादा अच्छा है नहीं, मतलब अगर मैं थोड़ी स्पीड में हूँ और मेरे को एकदम से इमीडिएट स्पीड थोड़ी स्लो करनी है ना तो मेरे को आगे वाले ब्रेक लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि पीछे वाले ब्रेक में लगाता हूँ ना तो वो स्कीड करने लग जाते हैं, तो उस वजह से इतना अच्छा रिस्पॉन्स है नहीं। और जो पीछे वाले डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो भी थोड़ा कम ही है, मतलब अराउंड मैंने आपको बताया 240 mm का है और जो डिस्क ब्रेक का ड्रम है, ठीक है। और भाई पीछे से देख लो आप ऐसे कुछ लुक आता है, और जो इसमें इंडिकेटर्स आते हैं वो हैलोजन टाइप में आते हैं, और ये रिफ्लेक्टर है जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये ग्लो करते हैं, ठीक है। और पीछे का टायर का साइज़ मैंने आपको बताया ही है भाई, आगे वाला टायर का साइज़ है 18 और पीछे वाले का है 17, और भाई ओवरऑल लुक जो है ना वो बाइक की काफ़ी अच्छी है, मतलब मेरे को रोड से इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है ना, अगर मैं बाइक लेके निकलता हूँ तो भाई लोग पूछते हैं भाई ये कितने की बाइक है कितने की बाइक है, तो भाई अब कितने की बाइक से भाई आपको मैं बताता हूँ इसका प्राइस क्या है आज की डेट में, आज की डेट में भाई प्राइस है इसका एक शोरूम प्राइस है भाई अराउंड 2 लाख से लेके 2.9 लाख, ठीक है, और ऑन रोड ये प्राइस पड़ जाता है आपको 2,40,000 का प्राइस पड़ जाता है आपको ऑन रोड, ठीक है भाई। एक कमी और जो मेरे को सबसे बड़ी लगती है वो मैं आपको बताता हूँ क्या कमी लगती है भाई, इसमें एक है रेडिएटर दिया हुआ एक, ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा होगा रेडिएटर भाई, जब ये स्टार्टिंग मैंने बाइक ली थी ना 1000 किलोमीटर सेकंड सर्विस तक, तो भाई इसकी नॉइज़ इतनी थी ना ये बहुत हीट करती थी बाइक, मतलब स्टार्टिंग के 1000 किलोमीटर तक इतनी हीट करती थी, और जैसी बाइक हीट करती थी ना तो भाई ये रेडिएटर स्टार्ट हो जाता था, और इस रेडिएटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा ना कि अगर आप किसी शांत वाले रोड पर चल रहे हो हाईवे पर चल रहे हो तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, इवन आपने हेलमेट पहना हुआ है तो भी सुनाई देगी, ठीक है, तो इसकी आवाज़ जो है ना रेडिएटर की बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब मैं 1000 किलोमीटर के बाद मैंने सर्विस करा ली, दो सर्विस करा ली, अब मेरे को थोड़ा राहत मिली है, राहत इन द सेंस कि मतलब ये जल्दी जल्दी ऑन नहीं होता, ज़्यादा बाइक हीट नहीं होती, अब ज़्यादा बाइक हीट नहीं होगी। अरे भैया ट्रेन कहाँ से आ गई है। हाँ तो यार हम कहाँ पे थे, रेडिएटर पे थे हम, ठीक है, रेडिएटर में भाई ये है कि जब मैंने सेकंड सर्विस करा ली ना तो अब इसका ये है कि बार बार ऑन नहीं होता, पहले क्या था कि भाई इंजन बाइक हीट हुई इंजन हीट हुआ भाई रेडिएटर ऑन हो गया,
हर 5 मिनट बाद ऑन हो गया, हर आधे घंटे बाद ऑन हो गया, ऐसा होता था। लेकिन अब भाई जब तक मैं आराम से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलता हूँ ना, मतलब आराम से अगर मैं चला रहा हूँ तो आधे कभी आधे घंटे में ऑन होता है, कभी 1 घंटे में होता है, अब ऐसा रिस्पॉन्स है मतलब सेकंड सर्विस के बाद से। तो भाई जो रेडिएटर की कमी है ना, वो स्टार्टिंग में थोड़ी आपको लगेगी, बट बाद में वो काफ़ी सही है, बाद में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ओवरऑल मैं लुक्स की बात करूँ तो ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छी है, और ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। क्रूज़र बाइक है, क्रूज़र के हिसाब से भाई इसमें स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी भी दी हुई है, टॉर्क काफ़ी अच्छा है, आप आराम से भगा सकते हो इसको हाईवे पे। और जो इसका स्टेबिलिटी है ना भाई हाईवे पे, कि मतलब बाइक का स्टेबिलिटी कैसी है कि अगर आप स्पीड में चला रहे हो 100 से ऊपर, तो भाई मैंने 110 भगाई है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जाते चलाता हूँ नहीं, अकेले लड़का हूँ भाई अपने माँ बाप का, है ना ठीक है, तो इसलिए भाई मैं जाते चलाता हूँ नहीं, तो उस हिसाब से मैंने 110 भगाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हो कि मैं इतनी तेज़ स्पीड में चल रहा हूँ 100 से ऊपर। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है, और बाकी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, बस एक दो ही कमी है, एक तो हेडलाइट की कमी है और एक पीछे के ब्रेक की कमी है, वो भी हम ESD से बोलेंगे भाई, अगर आप ESD में से कोई देख रहा है तो भाई प्लीज़ ये कमी थोड़ी पूरी कर लेना ब्रेक्स की। और भाई जो नए वाले मॉडल्स आएंगे फेसलिफ्ट वर्जन निकालोगे आप, उसमें थोड़ी हेडलाइट सही कर देना, बस ये 2-3 कमियाँ हैं इसमें, बाकी भाई ओवरऑल बाइक में कोई कमी नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। इवन मैं बोलूँगा कि भाई लोगों को ना ब्रांड वैल्यू बना रखी है बुलेट की, मैं हेट नहीं दे रहा, लेकिन भाई मेरे को ना ये बुलेट से ज़्यादा प्यारी लगती है, इवन परफॉर्मेंस के मामले में। लुक्स में तो भाई आपको पता ही है भाई बुलेट के थाट वाट ही अलग है, मतलब है ही खतरनाक, लेकिन भाई मेरे को लुक्स के मामले में ना बुलेट से ज़्यादा ये अच्छी लगती है, लुक्स के मामले में सिर्फ। मैं कोई बुलेट को या और रॉयल एनफील्ड को हेट नहीं दे रहा भाई, लेकिन मेरे को काफ़ी प्यारी लगती है ये एज़ कम्पेयर टू बुलेट, ठीक है। और भाई यही थी कुछ आज की वीडियो, और वीडियो एंड करते हैं, और भाई बहुत जल्दी से मेरे को नेक्स्ट टारगेट है 5K सब्सक्राइबर का, तो भाई आप जल्दी से वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।